यात्रा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गढ़ जाए, लेकिन इस दौरान नगर पालिका की टीम और पुलिस अधिकारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर कार्रवाई का भारी विरोध। अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची टीम पर पथराव। पथराव में जेसीबी का टूटा शीशा, मची भगदड़। इसके के बावजूद भी दुकानें तोड़ने का आरोप। न विरोध काम आया न मान मनोवल और न ही स्टे का कागज राहत दिला पाया। सभी कुछ नाकाम रहा। बुलडोजर ने एक एक कर दोनों दुकानों को जमींदोज कर दिया। ये तस्वीरें दौसा के भरतपुर रोड की हैं, जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची महुआ नगर पालिका की टीम और पुलिस अधिकारियों को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव भी किया, जिससे जेसीबी के शीशे टूट गए। बेकाबू हो रही भीड़ को पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की, तो वहीं कुछ महिलाएं जेसीबी के सामने आ गई और इस कार्रवाई का विरोध किया। हंगामे के बीच पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुड्डा भी लोगों के साथ नजर आए। अधिकारियों से हाथ जोड़कर कार्रवाई नहीं करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। इस बीच ओम प्रकाश हुड्डा की डीएसपी राजेंद्र मीणा, अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा से तीखी बहस भी हो गई। ओम प्रकाश हुड्डा हाथों में स्टे का पेपर लेकर कार्रवाई रोकने को कहते रहे, लेकिन नगर पालिका का बुलडोजर नहीं रुका और निर्माण को ढहा दिया। इधर प्रशासन का आरोप है कि नाले की जमीन पर बगैर अनुमति के निर्माण कराया गया है। लगभग एक घंटे तक जारी रहे विरोध और हंगामे के बीच आखिरकार दोनों दुकानों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।